अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है, नमस्ते, सत श्री अकाल। अभी हम सौराग बोर्ड आए हुए हैं अगवानी बूटी खाने, और वो भी अंदर की साइड पर, और ये हम आपको गलियां दिखा रहे हैं। ये यहाँ की पूरी मार्केट है, यहाँ चप्पलें, बच्चों के बैग, अगवानी सूट, हर चीज़ मिल जाती है। ये देखें पूरी बाज़ार का आपको दिखा रहे हैं। ये सौराग रोड के अंदर की बाज़ार है, और ये पूरी मार्केट है, और बिल्कुल सेफ़ एरिया है, ख़वातीन फैमिली के साथ आप आ सकते हैं। सौराग रोड की एक ऐसी वादी में है जहाँ पर आपको पूरा एक समा मिलेगा रात के टाइम का, जिसमें आपको मिलेगी भगवानी रोटी, भगवानी का नमकीन रोस्ट और टुंडे की असल चलनी है। तो आए हम आपको दिखाते हैं कि कैसा क्या हो रहा है और किस तरह हमें ऑर्डर दिया। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए हैं जाफी भाई के चैनल पे। दरअसल हमने उनका चैनल हाईजैक कर लिया है। चले हम उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ हमें लेके जा रहे हैं। जाफी भाई, आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम आए अंदर बिल्कुल डीप में, जहाँ पे सौरागढ़ की मार्केट के अंदर, सौरागढ़ की मार्केट के अंदर जहाँ पे अगवानी बूटियाँ मिलती हैं। ठीक है, तो अब अंदर जा रहे हैं, लेडीज फैमिली के लिए भी कुछ है। तो वहाँ पे जो है वो फैमिलीज़ के लिए क्या अलग जगह बनी हुई है, यानी फीमेल्स वहाँ जा सकती हैं? जी जी, फैमिली के लिए बिल्कुल अलग जगह बनी हुई है, और ये लोग बहुत इज्जत करने वाले फैमिली। ठीक है, ठीक है। और वहाँ पे क्या क्या मिलता है अगवानी बोटी के अलावा? अगवानी बोटी, अगवानी पुलाव और अगवानी रोटी। अच्छा, और जैसे कि हम आपके साथ जा रहे हैं, हमें ये लग रहा है कि शायद ये, क्योंकि आप इतना अंदर हमें लेके जा रहे हैं, इतना ट्रैवल करके हम जा रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ की बोटी काफ़ी स्पेशल होगी। यहाँ की बोटी बिल्कुल स्पेशल है, थोड़ा सा भी उधर करें। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे क्या है जाफरानी भाई? ये वो जो अंदर की जगहें हैं, और जगह है दोस्त, ये देखें आप बैठ के लोग खा। ये हम अभी अल मदीना होटल में आए हुए हैं अपनी फैमिली के साथ। ये इसके बाद में अल मक्का भी है, और उसके साथ अल हरमैन भी है। मदीना पे फैमिली की बहुत अच्छी जगह है, और ये इनकी अगवानी बोटी बन रही है, ये अगवानी कबाब हैं, और ये सारी अगवानी बोटियाँ बन रही हैं, और ये अगवानी पुलाव है। बाकी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं ऑर्डर देकर किस तरह इनकी मैकिंग होती है। ये मटर रोस्ट नमकीन डुम्बे के, बकरे के भी है, डुम्बे के भी है। मटर रोस्ट इसमें क्या क्या है? डुम्बे के भी है, बकरे के भी है, दोनों यखनी वाला, उसके साथ यखनी भी आते, चने की दाल भी आते, आज ये डुम्बे वाला ले लो, डुम्बे का एक दो, एक दो एक सही है, और एक चौबीस करो, चौबीस सही होगा, दो दर्जन होगा, दो दर्जन ये वो वाला है बूटी, डेढ़ दर्जन ये भैंस का है, चर्बी वाला, और आधा दर्जन बगैर चर्बी। नहीं नहीं नहीं, सब में चर्बी डालना है, एक चार सिक्के जो है ना सिर्फ चर्बी हो, सिर्फ चर्बी हो। चार से चर्बी हम जो बचे अब स्पेशल, तब जब ये बताइए, और कच्चा नहीं है बॉडी। एक अगवानी पुलाव भी कर देना। ये खान साहब हमारा ऑर्डर लेके जा रहे हैं अभी, और ये इनका आइटम बन रहा है, और हमने ऑर्डर दे दिया है, और थोड़ी देर में ये हमारे ऑर्डर बन जाएंगे। ये देखें किस तरीके से इनकी बोटियाँ बन रही हैं, फुल मज़ेदार यम्मी जायका खाएंगे और आपको बताएंगे। और इसके अंदर कावा बन रहा है, और ये खान साहब हैं। खान साहब कितने साल से काम कर रहे हो इधर? 10 साल। कौन सा रेस्टोरेंट है ये? मदीना रेस्टोरेंट, मदीना, फैमिलीज वगैरह के लिए बड़ा इंतजाम है, जैसे हम आए हैं फैमिली के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कह रहे हैं, लोग डरते हैं अंदर आने से फैमिली को लेकर? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी डरने वाला नहीं, अभी सुकून है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलें ठीक है। ये देखेंगे कावा बन रहा है, और बिल्कुल बेहतरीन। ये देखिए अगवानी पुलाव डाल रहे हैं, और ये अगवानी पुलाव है, और ये अगवानी पुलाव, उसके साथ ये दाल भी होती है, और दाल के साथ एक रोटी भी दी जाती है। और ये भाई हैं हमारे अगवानी ब्लॉक में, अल मदीना के रेस्टोरेंट है यहाँ पे मौजूद होते भाई। क्या कहते, अगवानी ब्लॉक कैसा है यहाँ का? ज़बरदस्त है, पूरा अगवानी वाला है। चले ठीक है, और क्या कह रहे हो? खत्म हो गया, और अच्छा अभी ताज़ा बनेगा इसके अंदर, अभी ताज़ा भी थोड़ी देर में बनने वाला है। और ये अगवानी रोटी सारी, ये रश लगा हुआ है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे कराची से,
और इनका एक अलग ही जायका, क्योंकि अंदर अकवानी बोटी खाने का मज़ा ही अलग है। और ये देखें हमारी स्पेशल चक्की बनकर आ रही है, डुम्बे की चक्की है ये, ओरिजिनल चक्की है डुम्बे का। देखें बिल्कुल डुम्बे की चर्बी हमने प्योर लगाई है और उसके खाने का मज़ा ही बिल्कुल अलग है। ये देखें भाई लेके जा रहे हैं और ये बनाने वाले हैं, बहुत पुराने यहाँ के। जी सलाम अलैकुम, आप कब से आ रहे हैं इधर मदीना रेस्टोरेंट पर? तकरीबन मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं यहाँ पे आते हुए और मैं इनका रेगुलर कस्टमर हूँ। काफ़ी अच्छी इनकी सर्विसेज हैं और फूड बहुत अच्छा है, तो मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ। और फैमिलीज़ के हवाले के लिए कैसे? फैमिलीज़ के हवाले से बहुत सिक्योर है, इनका अलग से इनका सेक्शन है यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए। मतलब लोग डरते हैं अंदर आने से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अंदर बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, फैमिली को लेके बच्चों को लेके आ सकते हैं। काफ़ी लोगों का मिसकंसेप्शन है कि यार आप लोग यहाँ पर नहीं लेकर आए अपनी फैमिलीज़ को, मोबाइल स्नैचिंग होती है, ये होती है, वो होती है। आपको जैसे पता है कि हालात ऐसे हैं कराची के, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, भाई का चैनल भी है यूट्यूब का, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भाई अपने चैनल बता दें। मेरा चैनल का नाम है एहतिशाम जंजुआ। काफ़ी ऑडियंस जानती होगी मुझे, मैं फर्नीचर के हवाले से वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। मुझे भाई यहाँ पे मिले तो मैंने सोचा कि इनसे भी थोड़ा सा हेलो आई करें। चले बहुत। ये हमारा खाना आ चुका है और ये है, और ये कंदारी नान, और ये सलाद है, और इनका रायता देखें। और अभी आपको चेक करके बताते हैं किस तरीके से है। ये डुम्बे की चक्की है, इसको हम खाते हैं। एक अलग ही मज़ा है इनको खाने का, इससे ज़्यादा मैंने बाहर भी हमेशा खाई है मगर ये जायका नहीं मिला है मुझे। और मैं आपको अगवानी बोटी भी खाता हूँ तो बताता हूँ, बिल्कुल जूसी हो रही है बोटी। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा लजीज मज़ेदार है। मैं आपको सबको कहूँगा कि अपनी फैमिली के साथ शराब बोट की मार्केट में आए। जैसे हमने पहले भी रिव्यू किया था डिफेंस के अंदर मातम बुखारी का, तो वहाँ से भी ज़्यादा लजीज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है और जूसी हो रही है, बिल्कुल नरम मुलायम बोटी है। और ये भी डुम्बे का है, नमकीन रोज भी आ गया हमारा डुम्बे का, भी डुम्बे का है। ये पुलाव भी मुँह में पानी आ रहा है। और ये खान साहब कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? कम से कम 5 साल हुआ है। तो यहाँ पे सुकून है इंशाल्लाह। हमने रोटी ले ली है और ये डुम्बे का बिल्कुल, और देखिए सही गोश्त कितना प्यारा है डुम्बे का, तो बिल्कुल आपके सामने जूसी हो रहा है। और इसको हम दाल भी ये फ्राई उसके लगा के खाते हैं। यार ये बिल्कुल ही, आप खुद आएंगे तो यहाँ पता चलेगा किस टाइप का है। नमकीन गोश्त डुम्बे की ज़रूर आके खाइए। और ये चावल है, चावल का खाने का मज़ा हाथ से ही है। और ये डुम्बे के चावल है, हमने गोश्त के नहीं मंगाए। काफ़ी पुलाव, काफ़ी पुलाव है, तो ये भी खा के हम आपको बताते हैं। मुझे किशमिश और गाजर तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बिल्कुल ही मज़ेदार है। आप लोग ज़रूर आएँ और मुझे कमेंट में बताएं खा कर कि यहाँ का खाना कैसा है। बाहर तो अपनी फैमिली के साथ आप आते हैं, अंदर आएँ और बताएँ मुझे अलमक्का का खाना। आप अपनी फैमिली को यहाँ पर बिठा सकते हैं सुकून से। ये पर्दे के पीछे फैमिली खाना खा रही है तो मैं दिखा नहीं सकता। और जनाब हमारा गर्मा गर्म जाफरानी नहीं ज़ाफरानी का वहाँ आ गया है, और ओरिजिनल ज़ाफरान के साथ बना हुआ है। और ये सिर्फ उसे मदीना पे मिलेगा, नॉर्मल कावा नहीं है, ज़ाफरान आपको दिख रहा होगा इसके अंदर। और ये दूरेदार, और इसके साथ ये बिल्कुल मिठाई है, ये तो आपने खाया होगा, ये गुड़ है और ये सारी चीज़ें हैं। ये तो बिल्कुल एक अलग चीज़ दिख रही है, क्या है ये? खा के देखते हैं इसको। ये तो तिल वाली टॉफी है। तो क्या कहते हैं फिर, आ रहे अपनी फैमिली के साथ मदीना में आए और मुझे कमेंट करके बताया आपको खाना कैसा लगा। वाह, खाने के साथ जान जाफरानी तो हो, अगर ये जाफरान कावा ना हो तो खाने का मज़ा ही नहीं है। और साथ में गुड़, जहाँ के खाने को बिल्कुल ही मुंफरिद कर देता है। आए अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर और मुझे कमेंट में बताएं खाना कैसा लगा। खुश रहे, खर्चे पर आवाज़ रहे। और काउंटर बैठे हुए तो उन्होंने कहा कि हमसे बात कर लें। जी भाई अपना एड्रेस बताएं, यहाँ पे एड्रेस क्या है? हमारा एड्रेस अलासिफ स्क्वायर, शराब कोर्ट, मदीना रेस्टोरेंट।
अलासिफ के अंदर बिल्कुल इनसे ले लो। हाँ, ये मदीना होटल है जो अलासिफ के अंदर है, मैं सोरापुर अलासिफ स्क्वायर के। यहाँ काफ़ी मतलब पुलाव मिलता है, रोटी होता है, सीख कबाब ये वगैरह। और फैमिली के लिए बिल्कुल सेफ, फैमिली के लिए बिल्कुल जगह बनाया हुआ है, VIP जगह बने हुए ऊपर। और आए तो इन भाई से जरूर मिले, जरूर मिले। क्या नाम है आपका? अब्दुल कुद्दूस। अब्दुल कुद्दूस भाई से ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से तरीके से आपको खाना पेश करेंगे।